आप सभी को नमस्कार। मैं दिलीप नामदेव, आज हम विषय विज्ञान में अध्याय 15 हमारा पर्यावरण के बारे में समझेंगे। पिछली कक्षा में भी हमने ये अध्याय पढ़ा था, लेकिन कुछ बातें उसमें समय के अभाव के कारण अधूरी रह गई थी। इस कक्षा में वे सारी बातों का समावेश हम करेंगे। तो कक्षा 10 के लिए अध्याय 15 हमारा पर्यावरण शुरू करते हैं। पर्यावरण शब्द आप सभी ने कहीं ना कहीं अवश्य सुना होगा, समाचार पत्रों में, टेलीविजन पर या किसी व्यक्ति के द्वारा। पर्यावरण को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, पर्यावरण में दो शब्द छुपे हुए हैं, परि और आवरण। परि अर्थात पृथ्वी, ये पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर हमारे चारों तरफ जो आवरण होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर हमारे चारों तरफ के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर हम देखते हैं अनेक वस्तुएं दिखाई देती हैं, अनेक वस्तुएं मौजूद होती हैं, अनेक जीव मौजूद होते हैं, जैसे भूमि, जल, मिट्टी, छोटे जीव, बड़े जीव, पेड़ पौधे इत्यादि। तो ये सभी मिलकर वातावरण से संबंध रखते हैं और हमारा संबंध भी इन जीवों से और वातावरण से होता है। तो एक साथ मिलकर ये सभी कारक जिनमें आपसी संबंध होता है वातावरण निर्मित करते हैं। मनुष्य भी वातावरण का एक महत्वपूर्ण अवयव है या अंग है, जो अपने क्रियाकलापों से वातावरण को प्रभावित करता है या वातावरण की क्रियाओं से खुद भी प्रभावित होता है। पर्यावरण को हम इस ग्राफ के द्वारा या इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। पर्यावरण में जलमंडल, जल के जितने भी स्रोत हैं या भंडार हैं, नदियां, तालाब, झील, पोखर या जो भी हैं, तो ये सभी जलमंडल का निर्माण करती हैं। और वायुमंडल, पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु है, हवा है, जो वायु का आवरण है, वायुमंडल जिसमें अनेक गैसें उपस्थित होती हैं, धूल के कण, धुआं इत्यादि उपस्थित होते हैं। इन गैसों में कुछ लाभदायक गैसें भी होती हैं और कुछ हानिकारक गैसें भी होती हैं। अगला है पर्यावरण का भाग स्थल मंडल, जो पृथ्वी की सतह होती है। इस सतह पर अनेक जंतु और पौधे निवास करते हैं या स्थिर रहते हैं, क्योंकि स्थल मंडल जंतु और पौधों को अपने ऊपर स्थान प्रदान करता है। जब ये तीनों स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल जिस स्थान पर मिलते हैं या ये तीनों जिस स्थान पर उपस्थित होते हैं, उस स्थान पर जल मंडल होता है जिसमें जंतु निवास करते हैं एवं पौधे। तो पर्यावरण में ये चार, पर्यावरण इन चार मंडल से निर्मित होता है, जिसमें वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। तो जिस स्थान पर स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल उपस्थित होते हैं, उस स्थान पर जैव मंडल होता है। अगर इनमें से कोई भी एक अनुपस्थित हो तो वहां पर जीव उपस्थित नहीं हो सकते, जीवों का वहां जीवित रहना संभव नहीं हो सकता। ये वायुमंडल, ये स्थल मंडल और ये जलमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, जिस स्थान पर ये तीनों हैं, इस स्थान पर ये तीनों हैं, वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल, तो इस स्थान पर क्या होगा, जैव मंडल, अर्थात इस स्थान पर जीव उपस्थित होंगे। तो जब जीव उपस्थित होंगे तो उसे बोलेंगे जैव मंडल। वायुमंडल, जलमंडल,
स्थल मंडल और जैव मंडल, तो ये सभी उपस्थित जिस स्थान पर होंगे तो पर्यावरण होगा, क्योंकि पर्यावरण में हम जानते हैं कि अजैविक कारक और जैविक कारक उपस्थित होते हैं जिनका आपस में गहरा संबंध होता है। अभी हमने देखा कि इन तीनों में से कोई भी एक उपस्थित ना हो तो वहां पर जैव मंडल नहीं हो सकता या वहां पर जीव उपस्थित नहीं रह सकते। तो हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल तीनों जिस स्थान पर होंगे, अर्थात यहां पर जल भी होगा, स्थल भी होगा और वायु भी होगी, तो वहां पर जीव उपस्थित होंगे, क्योंकि जीवों के लिए वायु होना अत्यावश्यक है, क्योंकि जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं अपनी जैविक क्रियाओं के लिए, श्वसन क्रिया में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो वायुमंडल में जाती है, और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन फिर वायुमंडल में छोड़ते हैं, तो जैव मंडल का वायुमंडल से गहरा संबंध है। इसी प्रकार जल जंतु और पौधे दोनों की जैविक क्रियाओं के लिए अत्यावश्यक पदार्थ है, तो जल मंडल का होना आवश्यक है। जल मंडल अर्थात जल के स्रोत, तालाब, नदी, झील, पोखर इत्यादि जीवों के लिए आवश्यक है। तालाब, नदी, झील, पोखर इत्यादि जल स्रोतों का उपस्थित होना अत्यावश्यक है, क्योंकि इनके बिना जीव अपना जीवन नहीं बचा सकते। स्थल मंडल जीवों को, जंतुओं को, पौधों को स्थिरता देता है। स्थल मंडल जंतु और पौधों को स्थिरता देता है, उनको स्थान या सतह देता है। हम जानते हैं जंतु और पौधों को एक सतह की आवश्यकता होती है, मृदा। मृदा में उपस्थित खनिज पदार्थ और मृदा में उपस्थित पानी, ये दोनों पौधों के लिए अत्यावश्यक होते हैं, जो स्थल मंडल अर्थात मृदा से पौधों को प्राप्त होते हैं और पौधों से जंतुओं को प्राप्त होते हैं। अब हम पारिस्थितिकी, इकोलॉजी शब्द को समझते हैं। पारिस्थितिकी शब्द के बारे में अर्नेस्ट हकेल ने 1869 में बताया था। यह एक जीव विज्ञान की या विज्ञान की बहुत बड़ी व्यापक शाखा है। इसमें पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जीव समुदाय का वातावरण के साथ क्या संबंध होता है, क्या लेन देन होता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्थात इकोलॉजी या पारिस्थितिकी पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव समुदाय का वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन कहलाती है। पारिस्थितिकी शब्द का आकार व्यापक क्यों है, क्योंकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपूर्ण जंतु, वनस्पति, जलवायु, समाज इत्यादि सभी समावेशित होते हैं और इनमें आपस में संबंध होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली संपूर्ण वनस्पति जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करके भोजन का निर्माण करती हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं, इसके लिए खनिज पदार्थ और पानी मिट्टी से मिलता है और वायुमंडल से भी जल ग्रहण करती हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली संपूर्ण वनस्पति सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करके और मिट्टी से खनिज पदार्थ और जल ग्रहण करके भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन का निर्माण करती है, और ये ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त कर देते हैं,
और ये ऑक्सीजन जंतुओं द्वारा श्वसन क्रिया के लिए अवशोषित कर ली जाती है और ये जंतु पुनः फिर कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं जिन्हें ये वनस्पति या पौधे ग्रहण कर लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन का निर्माण पुनः करते हैं। अर्थात ये चक्र लगातार पारिस्थितिक तंत्र में चलता रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जंतु पौधे इनका संबंध पृथ्वी के समस्त अजैविक कारकों से होता है। अर्थात जीव समुदाय, ये जीव समुदाय का संबंध वातावरण के साथ होता है, इसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी में किसी स्थान विशेष का महत्व नहीं होता, यहां पर संपूर्ण पृथ्वी की बात होती है। यहां पर संपूर्ण पृथ्वी की बात होती है, इसलिए इसका आकार व्यापक होता है। अब हम पारितंत्र या इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने पारिस्थितिकी को पढ़ा था, जिसका दायरा, जिसका स्वरूप व्यापक था, संपूर्ण पृथ्वी से संबंधित था, संपूर्ण पृथ्वी के जीवों का संबंध निर्जीव वातावरण से था उसमें। या पारितंत्र की बात करें तो इसमें निश्चित स्थान से संबंध है, अर्थात किसी निश्चित स्थान में स्वचालित समुदाय में जीवधारियों, पौधे और जंतुओं एवं निर्जीव वातावरण की एक दूसरे पर निर्भरता पारितंत्र कहलाती है या पारितंत्र कहते हैं। तो किसी निश्चित स्थान पर स्वचालित समुदाय में जीवधारियों, जंतु एवं पौधों का संबंध निर्जीव वातावरण से होता है, तो इस संबंध को यहां पर हम पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जीव जंतु या पौधे निर्जीव वातावरण से भी कुछ ना कुछ पदार्थों को ग्रहण करते हैं और ये निर्जीव वातावरण भी जीव जंतुओं और पौधों से कुछ ना कुछ पदार्थ ग्रहण करता है। अर्थात निर्जीव वातावरण और जीवधारियों के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार से हम पारितंत्र या इकोसिस्टम को परिभाषित कर सकते हैं। किसी निश्चित स्थान में उपस्थित जीवधारी, पौधे और जंतुओं का संबंध निर्जीव वातावरण से या निर्जीव कारकों से, अजैविक कारकों से होता है, इस संबंध को पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम के प्रकार देखते हैं हम, तो पारितंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा कृत्रिम पारितंत्र। इसे मानव निर्मित पारितंत्र भी कहते हैं। नंबर एक प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा कृत्रिम पारितंत्र, इसे मानव निर्मित पारितंत्र भी कहते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र दो प्रकार का होता है, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र के उदाहरण हो सकते हैं घास का मैदान, वन और मरुस्थल। यहां जलीय पारितंत्र देखें तो जलीय पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक स्वच्छ जलीय पारितंत्र और दूसरा है
समुद्री जलीय पारितंत्र। पहला है स्वच्छ जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र की बात करें तो जलीय पारितंत्र दो प्रकार का होता है, स्वच्छ जलीय पारितंत्र और समुद्री जलीय पारितंत्र। स्वच्छ जलीय पारितंत्र में तालाब का पारितंत्र, नदी का पारितंत्र, पोखर का पारितंत्र, तो ये पारितंत्र स्वच्छ जलीय पारितंत्र कहलाएंगे क्योंकि इनका जल स्वच्छ होता है। समुद्री जलीय पारितंत्र में एक तो समुद्र और दूसरा समुद्र तटीय भाग। समुद्री जलीय पारितंत्र में समुद्र, समुद्र का पारितंत्र और समुद्र तटीय पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र या मानव निर्मित पारितंत्र, तो ऐसे पारितंत्र जिनको मनुष्य निर्मित करता है, तो जैसे बगीचा, जल जीवशाला और तीसरा है वनस्पति उद्यान। अब हम पारितंत्र के घटक या कारक के बारे में देखते हैं, तो पारितंत्र में दो प्रकार के घटक होते हैं, जैविक घटक या कारक और अजैविक कारक। अजैविक कारक की बात करें तो इन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। तो भौतिक कारक में मुख्य रूप से तापमान, आर्द्रता और प्रकाश। या जैविक कारक की बात करें तो ये इनको भी तीन वर्गों में बांटा गया है, पहला है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। सबसे पहले भौतिक कारक देखते हैं, इसमें सबसे पहला है तापमान। तो जैविक कारकों की जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अनुकूलित तापमान की आवश्यकता होती है, और हम जानते हैं कि वातावरण में तापमान में परिवर्तन होता रहता है, और यह परिवर्तन पारितंत्र में पाए जाने वाले जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं और अजैविक घटकों को भी प्रभावित करते हैं। आर्द्रता, नमी, तो वातावरण में आर्द्रता या नमी होती है क्योंकि आर्द्रता नमी की उपस्थिति में ही बीज अंकुरित होकर पौधे का विकास करते हैं। आर्द्रता भी एक ऐसा अजैविक कारक है जिस पे सभी जैविक कारक और अजैविक कारक निर्भर करते हैं या प्रभावित होते हैं। अगला भौतिक या अजैविक कारक है प्रकाश। ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। जल पौधे मिट्टी से अवशोषित करते हैं और अपनी जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जल भी प्रकाश संश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। वायुमंडलीय गैसें जैविक कारक जिसमें जंतु और पौधे आते हैं, वे वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। यहां पर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं क्योंकि यह क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो ये एक अजैविक कारक, ये भी अजैविक कारक,
और ये भी अजैविक कारक। तो ये तीनों अजैविक कारक यहां पर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है, पौधों में संचित हो जाता है। इसी संचित भोज्य पदार्थ से पौधों की समस्त जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं और इन पौधों से दूसरे जीव भी भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार खनिज भी एक अजैविक कारक है और ये खनिज पदार्थ पौधे जमीन से या मिट्टी से ग्रहण करते हैं। यहाँ पे एक और भौतिक कारक है मिट्टी। तो हम जानते हैं कि मिट्टी या मृदा पौधों को स्थिरता प्रदान करती है या जंतुओं को भी सतह प्रदान करती है, क्योंकि मिट्टी या मृदा भी एक महत्वपूर्ण भौतिक कारक कहलाता है। अगले अजैविक कारक हैं कार्बनिक कारक, जिनमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट आते हैं, क्योंकि ये सभी मिलकर किसी जीव के शरीर की रचना करते हैं, क्योंकि इन सभी से मिलकर किसी जीव का शरीर बनता है, चाहे वो पौधे हो या जंतु। अब हम जैविक कारक देखते हैं। तो जैविक कारक में है सबसे पहले उत्पादक। उत्पादक शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी पदार्थ का या वस्तु का उत्पादन करना, निर्माण करना। तो इसमें वे जैविक कारक आते हैं जिनमें भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है या जो भोज्य पदार्थ निर्मित करते हैं। तो इस श्रेणी में समस्त हरे पौधे आते हैं जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्योंकि ये हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अजैविक कारकों के द्वारा भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी कहते हैं, इसलिए पौधे उत्पादक कहलाते हैं। तो पहले जैविक कारक उत्पादक और दूसरे उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता यहां पर तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में समस्त शाकाहारी जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं, अर्थात पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इनका पोषण पौधों से होगा। तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता में सभी शाकाहारी जीव आते हैं, जैसे खरगोश, बकरी, गाय, हिरण इत्यादि। द्वितीय उपभोक्ता में वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात ये मांसाहारी होते हैं। इसमें लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। तीसरे उपभोक्ता कहलाते हैं तृतीय उपभोक्ता, और इस श्रेणी में वे जीव आते हैं जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात ये पोषण प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता से लेते हैं। तो इस श्रेणी में सांप, अजगर, शेर, बाज इत्यादि, तो ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा अजैविक कारक और जैविक कारक। अब हम उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर देखते हैं। तो उत्पादक में सभी पौधे आते हैं या वनस्पति, और इसमें क्या आएंगे, जंतु। तो पहला अंतर हो गया इसमें सभी क्या है उत्पादक में वनस्पति, तो दूसरा अंतर होगा ये स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेते हैं। और ये कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, क्योंकि जंतु अपने भोजन के लिए पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं। तीसरा देखें
इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अर्थात प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं भोजन के लिए, और ये प्रकाश ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते, अर्थात इनमें भोजन निर्माण नहीं होता। चौथा अंतर देखते हैं उत्पादक, चौथा अंतर देखते हैं उत्पादक एक ही प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। एक और अंतर कर सकते हैं पांचवा, ये ऊर्जा का निर्माण करते हैं और ये ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर करते हैं, पौधों पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार हम पांच अंतर कर सकते हैं। आप सभी ने जल जीवशाला देखी होगी, आइए हम जल जीवशाला बनाने का प्रयास करते हैं। जल जीवशाला में मछलियों को रहने के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है, इसके लिए हम एक जार लेते हैं। इस जार में कुछ मछलियां एकत्रित कर लेते हैं, पानी भर देते हैं और इन मछलियों के लिए ऑक्सीजन का एक पाइप लगा देती है और समय समय पर इन मछलियों के लिए कुछ भोजन इस जार के अंदर डालते रहते हैं। यदि हम इसमें कुछ पौधे लगा दें तो यह एक स्वनिर्भर तंत्र बन जाएगा। क्या हम इस जल जीवशाला को ऐसे ही छोड़ सकते हैं या इसकी समय समय पर सफाई करना पड़ती है? तालाब एवं पोखरों के पारिस्थितिक तंत्र की क्या सफाई करना पड़ती है? इस बात का पता आपको लगाना है कि इसकी सफाई क्यों करना पड़ती है या नहीं करना पड़ती, और तालाब या पोखरों की सफाई करना चाहिए या नहीं, इस बात का आप स्वयं पता लगाएंगे और अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम अगली कक्षा में ऊर्जा के स्रोत के बारे में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय